हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर। तो सबसे पहले हम पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे, और एक्चुअली ये घर का बनाया हुआ पनीर है। और इसके बाद फिर हम कढ़ाई में तेल गरम करके उस पनीर को थोड़ा थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना पनीर कड़ा हो जाएगा। और पनीर को फ्राई करने के बाद हम कढ़ाई में, तब तेल गरम होने के बाद हम उसमें लगाएंगे लाल मिर्च और तेज़पत्ता का सबसे पहले तड़का। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम उसमें ऐड करेंगे छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए प्याज और थोड़ा मरीच। उसके बाद बढ़िया से प्याज को भूनेंगे जब तक कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन जैसा नहीं हो जाता है। जब हमारा प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन टाइप में आ जाएगा, उसके बाद अभी देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना पीसा हुआ प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर का पेस्ट, और उसको बढ़िया से तब तक भूनेंगे जब तक इसका पूरा कलर चेंज नहीं हो जाता और ये बढ़िया से एकदम भून नहीं जाता। तो अभी देखिए हम जो पेस्ट ऐड किए थे वो बढ़िया से एकदम भून चुका है, एकदम उसका कलर आप देखेंगे पूरा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। तो मैं ऐड करूंगा इसमें सबसे पहले तीखा लाल, और उसके अलावा फिर मैं ऐड करूंगा इसमें एवरेस्ट का मीट मसाला और राजेश का मीट मसाला। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो वो मसाला आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसी मसाले को ऐड करता हूँ। अब इस मसाले को इसमें डालने के बाद बढ़िया से इसको भूनेंगे फिर अगले 10 से 15 मिनट तक, और इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे हम। और साथ में थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अब इसको हम बढ़िया से इस मसाले को लो फ्लेम पे 10 मिनट तक बढ़िया से भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला बढ़िया से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, आप अपने हिसाब से जितना, मतलब जितने लोग हों आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो अब इसमें देखिए हम पानी ऐड करके थोड़ी देर तक इसको फिर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, उसके बाद पानी थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना डाल के फिर इसको छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट तक, जब तक पानी हमारा अच्छे से पक जाए, हमारी ग्रेवी बढ़िया तैयार ना हो जाए। तो हमारी ग्रेवी लगभग तैयार हो गई, इसलिए मैं इसमें अब धनिया ऐड कर रहा हूँ। धनिया ऐड करने के बाद इसको एकदम लो फ्लेम पर थोड़ी देर तक छोड़ दूंगा। तो फाइनली हमारा पनीर बनके हो चुका है तैयार। तो चलिए इसको फटाक से प्लेट में निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा बना है। तो लेते हैं हम अपना पहला बाइट। तो पनीर तो काफ़ी अच्छा बना है, आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।